सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों यहाँ पे ये वीडियो बहुत ही खास है जहाँ पे मैं दोस्तों आपसे बात करने वाला हूँ बहुत ही छोटे से लैपटॉप के बारे में, जो कि यहाँ पे दोस्तों ये है मेरे पास में जीपीडी की तरफ से आने वाला ये GPD-2 लैपटॉप। तो यहाँ पे दोस्तों करते हैं आज इस वीडियो में इसी की अनबॉक्सिंग। दोस्तों कैसा है ये लैपटॉप, क्या है इसके स्पेसिफिकेशंस, कितना आखिर ये छोटा है और यहाँ पे आप इसकी मदद से क्या क्या काम कंप्लीट कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरु। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये है यहाँ पे हमारे पास में बॉक्स जीपीडी पॉकेट 2 लैपटॉप का, और यहाँ पे दोस्तों ये एक काफी छोटा सा बॉक्स है इस पॉकेट लैपटॉप का। इनफैक्ट भैया जो लैपटॉप है वो आपकी पॉकेट में बड़े आराम से आ जाएगा। इसके दोस्तों पुराने वर्जन का मैंने एक वीडियो बनाया था लास्ट ईयर जो कि काफी पॉपुलर रहा था, और इसके अलावा इसको भी मेरे काफी सारे फ्रेंड्स ने ऑलरेडी यूट्यूब पे कवर किया है और सभी लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं कि यार ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा बहुत ही छोटा सा लैपटॉप है। तो यहाँ पे दोस्तों करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। भैया बॉक्स खोलते ही सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे रखा है ये छोटा सा लैपटॉप। आप में से शायद कुछ लोगों को यकीन ना हो कि भैया क्या लैपटॉप इतना छोटा हो सकता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे वाकई में ये एक फुल फ्लेजेड पॉकेट साइज छोटा सा लैपटॉप है। इस तरह से बात करते हैं बाकी नीचे बॉक्स कंटेंट्स की, तो ये है हमारे पास में कुछ पेपर वर्क जहाँ पे भैया दी गई है कुछ स्पेसिफिकेशंस, यहीं पर वारंटी कार्ड भी है, मतलब भैया सब कुछ है एक ही चीज़ में। इसके अलावा से बात करते हैं नीचे, तो ये जो चार्जर है ये काफ़ी छोटा सा है, लगता है किसी फ़ोन चार्जर की तरह, और यहाँ पर दोस्तों इनफैक्ट जो इसका आउटपुट है वो है 12 volts 2 amperes तक। तो दोस्तों इनफैक्ट अपने आप में एक फास्ट चार्जर है USB-C आउटपुट के साथ में इस लैपटॉप के लिए। और यहां पर दोस्तों साथ में बाकी नीचे लास्ट में रखी हुई हमको मिल जाती है ये एक USB-C to C टाइप केबल चार्जिंग वगैरह के लिए। बाकी दोस्तों अगर बॉक्स में नीचे कुछ है नहीं, बात हम करते हैं सीधा इस लैपटॉप के बारे में। तो यहां पर दोस्तों जो बिल्ड क्वालिटी है, जो डिजाइन है, वो किसी मैकबुक की तरह ही है, मतलब काफी दोस्तों सॉलिड लगता है हाथ में और ये बना है कंप्लीटली एल्यूमिनियम से, तो ये दोस्तों दिखने में काफी इसको प्रीमियम बनाता है। बात दोस्तों अगर हम करते हैं पोर्ट्स की, तो यहां पर मिल जाता है एक तरफ ये फुल साइज USB-3 पोर्ट, उसके दोस्तों साथ में है यहाँ पे ये कॉम्बी जैक आपके हेडफोन्स या ईयरफोन्स वगैरह के लिए, साथ में दोस्तों है ये एक माइक्रो SD कार्ड स्लॉट। बात दोस्तों करते हैं दूसरी साइड की, तो यहाँ पे एक और दोस्तों फुल साइज USB-3 पोर्ट है, तो ये काफी अच्छी बात है। और साथ में है ये दोस्तों एक USB-C पोर्ट जिससे आप चार्ज कर सकते हैं, चाहे तो आप एक्स्ट्रा डोंगल्स लगा के भैया तरह तरह की चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे है ये एक छोटी सी LED नोटिफिकेशन लाइट जो आपको बताएगी कि भैया आप अपने डिवाइस को चार्ज कर रहे हैं या बैटरी लो जा रही है। बाकी दोस्तों बात करते हैं पीछे की तरफ, तो डिजाइन कुछ ऐसा है कि यहां पे आपको दोस्तों मिलता है सिर्फ एक ही वेंट जो कि होगा दोस्तों एयर इनटेक के लिए, हवा यहां से अंदर जाएगी भैया करते हुए ठंडा, इस लैपटॉप को यहां से दोस्तों कहीं बाहर निकल जाएगी। और जो डिजाइन है वो डेफिनेटली काफी एक सॉलिड और दोस्तों प्रीमियम फील देता है आपको आपके हाथ में। बाकी दोस्तों दिखाऊं अगर आपको ओपन करके, तो यहां पर आएगा असली मजा जहां पर दोस्तों आपको मिलता है नीचे की तरफ ये एक फुल कीबोर्ड, और काफी छोटा सा है, कुछ दोस्तों कीज यहां पर राइट लेफ्ट जो है वो अरेंज की गई है सिर्फ इसीलिए कि जो कीबोर्ड है वो शायद बेहतर बन सके, लेकिन ऐसे में काफी मजा आने वाला है इतने छोटे कीबोर्ड पर टाइपिंग करके। और यहां पर दोस्तों ऊपर जो है सामने की तरफ ये है एक 7 inches का डिस्प्ले, और यहां पर दोस्तों ये बेसिकली एक फुल HD+ डिस्प्ले है। और यहां पे इनफैक्ट दोस्तों यहां पे ऊपर की तरफ एक बहुत ही पतली सी बार है जहाँ पे आपको दोस्तों कुछ और बटन मिल जाते हैं अगर आपको दोस्तों क्विकली चेंज करना है, मान लीजिए अपने वॉल्यूम को या स्क्रीन ब्राइटनेस वगैरह को, तो यहाँ पे दोस्तों सभी के डेडिकेटेड बटन हैं। साथ में आपको बटन मिलता है फैन ऑन ऑफ करने के लिए, ये जो बटन है ये है राइट और लेफ्ट क्लिक के लिए दोस्तों जो आप करेंगे माउस से, ऑल्दो यहाँ पे दोस्तों टच स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन मजे की बात यह कि यहाँ पे ये इसका माउस है। और यहाँ पे दोस्तों ये माउस कैसा है कि ये बेसिकली आप यहाँ पे अपनी उंगली अगर घुमाएंगे तो माउस का दोस्तों काम हो जाएगा, काफी एक यूनिक सा डिजाइन है। तो यहाँ पे दोस्तों करते हैं इसको बूट और हम देखते हैं कि भैया क्या है इसके अंदर स्पेसिफिकेशंस जो है वो ऐसी हैं। और यहां पे दोस्तों ऑन हो गया है, आ गया है जीपीडी का लोगो। मेरे ख्याल से दोस्तों यहां पे मेरे पास जो वेरिएंट है वो है शायद 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ में, जहां पे दोस्तों प्रोसेसर है वो है इंटेल का कोर M3। ये दोस्तों जो है ये 8100Y प्रोसेसर है जो कि एक ड्यूअल कोर प्रोसेसर है, और दोस्तों बिल्कुल सेम है जो एप्पल देता है अपने एप्पल 12 inch वाले मैकबुक में। साथ में दोस्तों यहां पे जो स्टोरेज है वो है EMMC आई थिंक 5.1 जो कि है 128GB की। रैम में आप चूज कर सकते हैं 4 या फिर 8GB जो कि होगी DDR3 रैम। और यहां दोस्तों ग्राफिक्स आपको मिलेंगे वो मिलेंगे इंटेल के UHD 615 वाले, तो मतलब ये कोई गेमिंग लैपटॉप नहीं है, ये दोस्तों कोई परफॉर्मेंस पावर हाउस नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपको ऑन द गो एक छोटा लैपटॉप चाहिए जहां पे आप फुल फ्लेजेड विंडोज को यूज कर पाए दोस्तों, बिल्कुल अपने जेब में रखकर आप घूम पाए, तो शायद ये इंटरेस्टिंग लैपटॉप होगा। मैं एक बार उसको क्विकली दोस्तों सेट करता हूं, बाद में बात करते हैं कि और क्या मिलता है हमको इसी लैपटॉप में।
यार विंडोज सेटअप इतना लंबा और कॉम्प्लिकेटेड होता है ना, मैं पिछले शायद 2-4 मिनट से यहीं पे सारे तरह तरह के ऑप्शंस कर रहा हूँ, नेक्स्ट नेक्स्ट फिल फिल। मतलब मैक का काफी आसान होता है और फोन्स की तो मतलब आदत लग चुकी है, दो दो क्लिक पे काम हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ये जो है बहुत टाइम ले रहा है। दोस्तों ये है यहाँ पे लैपटॉप भैया हो गया है कम्प्लीटली सेट और दिखने में काफी क्यूट दोस्तों, काफी कॉम्पैक्ट लग रहा है। यहाँ पे जो स्क्रीन है वो डेफिनेटली काफी दोस्तों शार्प है, जो कि है 7 इंचज का IPS डिस्प्ले। जहां तक दोस्तों बात करते हैं माउस की, तो हिसाब कुछ ऐसा है कि आप बस इसके ऊपर अपनी उंगली को घुमाइए और दोस्तों काम जो है वो कंप्लीट होता रहेगा। बाकी अगर आपको करनी है यहाँ पे क्लिक्स तो वो दोस्तों आप कर सकते हैं यहाँ से लेफ्ट या राइट क्लिक। तो आइडिया कुछ ऐसे है कि आप इसको दो हाथों से ऐसे यूज करेंगे, बिकॉज डेफिनेटली ये एक पोर्टेबल डिवाइस है। लेकिन अगर दोस्तों आपको स्टैंडर्ड लेफ्ट क्लिक करनी है तो वो तो आप यहीं से इस बटन को प्रेस करके कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों अगर आप देखते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल मैं जाता हूँ माई कंप्यूटर में और करता हूँ इसको ओपन, तो आप यहाँ से ऐसे ओपन कर लीजिए। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों डिटेल्स में जाके, तो जो आपको मिलता है ऑप्शन वो ऐसा है स्टोरेज का कि 115 GB में से कुछ 99.3 GB की स्टोरेज यहाँ पे अवेलेबल है। ऑल्दो मेरे को इतना आइडिया नहीं है विंडोज का, लेकिन मैं एक बार कुछ नोट्स ओपन करके अगर टाइपिंग देखना चाहूं तो यहां पे नोटपैड का ऑप्शन है। मैं लिखता हूं गौरव चौधरी टेक्निकल गुरुजी, तो ये मैंने लिखा और मैं आराम से लिख पा रहा हूँ। ऑल्दो थोड़ी सी जो बटन है वो भैया काफ़ी छोटे छोटे हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन आप यहाँ पे टच स्क्रीन की मदद से भी नेविगेट कर सकते हैं और बटन्स की आपको एक बार आदत लग जाए तो शायद आप बेहतर तरीके से टाइपिंग कर पाएंगे। तो ये है दोस्तों कुछ ऐसा GPD पॉकेट 2 लैपटॉप। मैं एक बार जल्दी से जाता हूँ यहाँ पे, अभी हालांकि क्रोम तो इंस्टॉल नहीं हुआ हुआ है, लेकिन मैं यहीं पर अगर एक बार यूट्यूब खोल के देखूँ, ये मैंने अपनी एक वीडियो प्ले करी है और काफी सही चल रहा है यार वीडियो। और ऐसे में जो साउंड है वो मैंने किस लेवल पे रखी है, ओके साउंड फुल ही थी, तो साउंड में हल्की सी कम लग रही है, लेकिन और अगर हम देखते हैं ओके, मेरे को एक्चुअली इतना टच स्क्रीन का आइडिया नहीं है, अगर हम जाएंगे माउस से तो डेफिनेटली हम जा सकते हैं। ये है दोस्तों ऐसे में GPD पॉकेट 2। और अब मेरे को कैसे जाना है स्क्रॉल करके, ओके तो मैं यहाँ से इसको मिनिमाइज कर दूंगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये है, ये एक पॉकेट लैपटॉप, काफी छोटा सा है, काफी कॉम्पैक्ट सा है, इंटेल का कोर M3 प्रोसेसर है, तो मतलब इतना आपको ज्यादा कुछ पावर हाउस यहाँ पे नहीं मिलेगा देखने को। लेकिन हाँ ऑन द गो दोस्तों काम करने के लिए, इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए या फिर वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट के लिए एक अच्छी चॉइस हो सकती है अगर आप एक सेकेंडरी लैपटॉप देख रहे हैं। ये डेफिनेटली दोस्तों आपका प्राइमरी लैपटॉप नहीं हो सकता, बिकॉज आप इससे खुद ही हो जाएंगे भैया परेशान यूज करेंगे अगर आप इतने छोटे से लैपटॉप को। लेकिन हाँ कई बार हमको चाहिए होता है एक डिवाइस ऑन द गो यूज करने के लिए, तो यहाँ पर दोस्तों उस मामले में एक अच्छी चॉइस होगी। अगर आप एयरपोर्ट्स वगैरह पे हैं, अगर आप प्लेन में हैं, अगर आप दोस्तों ऑन द गो इसको यूज करना चाहते हैं तो शायद एक अच्छा ऑप्शन होगा। और यहाँ पे ये बेसिकली एक अपग्रेड है इनके पुराने वर्जन का, जो कि ये है मेरे पास में और ये है GPD पॉकेट 1। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कीबोर्ड जो है वो इतना अच्छा नहीं था, काफी ये मोटा सा था, तो यहाँ पे दोस्तों इन्होंने इसको इम्प्रूव कर दिया है और ऐसे में बना दिया है अपना GPD पॉकेट 2। इसमें तो यहाँ पे दोस्तों ये छोटा सा माउस था, वो आप यहाँ सेट करेंगे टेढ़ा मेढ़ा, इसमें थोड़ा सा उस चीज को इम्प्रूव किया गया है। बाकी अब खैर दोस्तों मेरे पास में ये दो हो गए हैं, GPD पॉकेट 1 भी है, पॉकेट 2 भी है, और मैं ऐसे में विंडोज को इतना यूज करता नहीं हूँ। मैंने भी रिसेंटली iPad Pro भी परचेज कर लिया है, तो ऑन द गो शायद ही मैं यूज करूंगा। मैंने पहले से कुछ टाइम के लिए कभी कभी यूज किया है, लेकिन काफी टाइम से मैं इसको भी यूज नहीं कर रहा हूं, और ऐसे में ये जो है ये तो है कंप्लीटली ब्रांड न्यू फ्रेश। तो शायद दोस्तों इसका हम कुछ एक गिव अवे प्लान करते हैं फ्यूचर में अगर सब कुछ ठीक रहा। आप फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और आप मुझे बताइए नीचे कॉमेंट्स में कि क्या आप किसी ऐसे पोर्टेबल लैपटॉप को लेना पसंद करेंगे जहां पर दोस्तों कीमत है वो कुछ 40-45 हज़ार रुपए के आसपास है, लेकिन डेफिनेटली दोस्तों काफी है कि प्रीमियम लैपटॉप, मतलब वो नहीं है मजाक वाला कि भाई प्लास्टिक का बना है या मतलब जो है वो है, ये डेफिनेटली दोस्तों काफी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी वाला काफी प्रीमियम लैपटॉप है, पोर्टेबल लैपटॉप है। लेकिन हाँ अगेन पावर नहीं है इसके अंदर इतनी ज्यादा, और ऐसे में गेमिंग तो भैया आप कर पाएंगे एकदम मॉडरेट सी इसमें, बाकी तो खैर भूल जाइए, लेकिन स्टाइल भी कोई चीज है और उस मामले में तो भैया डेफिनेटली इसको पूरे मार्क्स मिलते ही हैं। दोस्तों बस बाकी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपना प्यार ऐसे बनाए रखिए और कोशिश करेंगे फ्यूचर में इन दोनों में से किसी का कुछ गिव अवे वगैरह करने की। दोस्तों फिलहाल भी इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई तरह सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर दोस्तों आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।